छतरपुर जिले में विद्युत विभाग द्वारा गर्मी के मौसम में की जा रही लगातार अघोषित विद्युत कटौती को लेकर कांग्रेसियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष लखनलाल पटेल ने बताया कि गर्मी के मौसम में विद्युत विभाग द्वारा जिले में लगातार अघोषित कटौती की जा रही है। बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने एक बैठक कर विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री से बात की और चेतावनी दी कि अगर अघोषित बिजली कटौती बंद नहीं हुई तो कांग्रेस विद्युत विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समय अगर बिजली गुल हो जाती थी तो भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आते थे, लेकिन आज भाजपाइयों को आम लोगों की कोई चिंता नहीं है। जिले में लगातार हो रही विद्युत कटौती को लेकर भाजपाई मौन साधे हुए हैं। इस मौके पर कार्यकारी जिलाध्यक्ष अनीस खान, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष स्मिता खरे, प्रवक्ता संतोष तिवारी, दीपांशु यादव सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। पूरे जिले में अघोषित कटौती हो रही है, पता नहीं चलता कि कब बिजली आए कब चली जाए, तो इस संबंध में आज हमारे जिले के पदाधिकारी लोग, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अनीस खान जी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष स्मिता खरे जी, संतोष तिवारी जी प्रवक्ता, आईटी सेल के दीपांशु यादव जी, सभी लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर के रणनीति तय की है। तो इसके पहले मैंने अधीक्षण यंत्री जी से बात की है तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आज के बाद कटौती नहीं होगी। यदि होगी, हम लोगों ने तय किया है, यदि होगी तो कांग्रेस जिले में मुख्यालय पर आंदोलन करेगी विद्युत विभाग के खिलाफ। भाजपा वाला नंगा नाच करते थे, सड़कों पर उतरते थे, अगर 10 मिनट के लिए लाइट जाती थी तो भाजपा सड़कों पर उतरती थी। अब आज वो ही भाजपा क्यों चुप है? लड़ना चाहिए, कहना चाहिए अधिकारियों से, ये जनता को गुमराह करते हैं, ये अपने किए हुए पर पछतावा नहीं करते हैं, ये अब जनता समझ चुकी है, इनके कार्यकाल को जनता देख चुकी है। अब 2023 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है,